हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी में। 20 दिन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। आई होप आपने हमको मिस किया होगा, किया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। चलिए आज बात करने वाले टॉप ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर बने हुए स्टॉक के, और ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए मोस्टली मार्केट में कई स्टॉक। यहाँ पर चीज़ क्या है कि स्प्लिट हुआ हुआ है 50-50 का। 50% स्टॉक ऐसे हैं जो ही राइज करने की पोटेंशियल रख रहे हैं अभी मार्केट में, और रेस्ट 50% ऐसे है कि वो या तो खड़े हो जाएंगे 2 साल के लिए या फिर नीचे फिर गिर जाएंगे। तो अगर आपको वो स्टॉक का भी लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से खड़े रह सकते हैं या फिर कौन कौन से नीचे जा सकते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट कि कौन कौन से हम टच नहीं करने हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे कौन से बढ़िया स्टॉक है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले डिवीज लेबोरेटरीज, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक के अंदर आता है। गिरा तब भी बोला था कि यहाँ पे चांसेस होते हैं आपको बाय करने के, और अब देख रहे हैं अभी कितना बढ़िया सा ऊपर चला है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था यहाँ पे जब ये था कि ये तो अभी नीचे गिरता जाएगा, पूरा गिर जाएगा, लेकिन नहीं, कंपनी आप देखिए, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो आगे आएगा ही। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी वर्ज पे खड़ा हुआ है ब्रेकआउट की। यहाँ से अगर नीचे भी थोड़ा आ जाए अच्छी बात है, अगर आए तो भी बाय कर लीजिएगा। अप टू यहाँ तक आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसको जान, ये जिस तरह की वेव में आया है ये दिखा चुका है कि इसको जाना तो ऊपर ही है, ये बात कंफर्म हो गई है। तो अगर यहाँ पे आए तो भी आप बाय कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर जब भी क्लोज दे दिया 3530 रख लीजिए, 3530 के ऊपर अगर इसे क्लोज दे दिया डेली, क्लोजिंग का मतलब है 3:15 का आपको देखना है। अगर वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे आपको, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो आप इसमें डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा लंबा खींचना है इसको 5000 तक, तो आपका एसएल होगा ये। अगर आपको 4000 का टारगेट चाहिए तो आपका एसएल होगा आपने जिस कैंडल पे एंट्री ली है उसी कैंडल का लो। सिंपल आपको ये पता चल गया, अच्छा स्टॉक है। दूसरा हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक। देखिए इसको भी मैं नीचे से बोला था आपको मस्त परचेस करने के लिए, किसी ने किया किसी ने नहीं किया होगा, तकरीबन हम यहाँ पे इसको बोल रहे थे परचेस करने के लिए। ये सारे जोन थी, आप टेलीग्राम में चेक कर लीजिए, यही जोन ने मेंशन की थी कि ये बेस्ट जोन है इसको परचेस करने के लिए। वापस ने मौका भी दिया था, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ कर सकते हैं। रजिस्टेंस प्रॉपर करेक्शन, रजिस्टेंस रिकअप हैंडल से बना रहा है। इसके ऊपर जैसे ही ये गया बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, याद रखिएगा ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ बैंक्स। लार्जर बैंक देखेंगे प्राइवेट में बेस्ट स्टॉक है, मेरे ख्याल बढ़िया स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, आपको बहुत बढ़िया देगा ये कोटक और एक्सिस। ये तीनों में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश जब बात आती है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे जाए 960 के ऊपर जैसे क्लोजिंग है आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्लियर कट एसएल है 930 का, इसको राइड कीजिए और कुछ मत कीजिए। ये आपको 1000 रुपीज़ का लेवल, 1100 का लेवल भी आपको आराम से दिखा सकता है। इन जैसे स्टॉक को अगर नीचे पे मिल जाते तो उनको छोड़ना नहीं होता, इसको ट्रेड करना होता है, मस्त रखिए। फिर है नया सुपरस्टार बंधन बैंक। बंधन बैंक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत टाइम बाद ये मोमेंटम दिखाना चालू किया है, और ये मोमेंटम ऐसा वैसा नहीं है। प्राइस मोमेंटम की बात करो, अगर मैं मेरी जो प्राइस रीडिंग है उसमें ये अच्छा साइन है। अच्छा साइन है कि ये अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये अभी एक तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा ही, लार्जर टाइम फ्रेम में जाएगा कि नहीं वो सेकेंडरी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे आपको 30-40% तक का और अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसको परचेस कैसे करेंगे, या तो यहाँ तक आ जाए 250 पे आ जाए तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको 265 के ऊपर जाए तो बाय कर सकते हैं। इस पर क्लोजिंग बेसिस कुछ नहीं है, आपका एसएल होगा ये। अगर आप 250 बाय करते हैं तो आपका एसएल ये होगा, अगर आप 265 बाय करते हैं तो 250 के नीचे का क्लोजिंग आपका एसएल हो गया। ठीक है, अगर ये आना चाहेगा नीचे तो कल ही आ जाएगा, यानी कि मंडे को ही आ जाएगा, फिर ये वेट नहीं करेगा, नहीं आ जाएगा तो सीधा खींच लेगा। उसके बाद आता है हमारा बजाज होल्डिंग, ये भी वन ऑफ द गुड मोमेंटम दिखा रहा है, और जो स्टॉक ज़्यादा करेक्शन करती है वो अभी दिखा रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम ले सकते हैं, तो इनको वो मिस नहीं करना। इसमें ब्रेकआउट आ चुका है तो आप या तो रिटेस्ट पे बाय करें, रिटेस्ट भी थोड़ा 1-2% का ही है, वहाँ बाय करें, फिर सीधा CMP पे भी आप बाय कर सकते हैं। इस मोमेंटम को देखिए बौखला मत जाइएगा कि ये स्टॉक नीचे गिर जाएगा, यह अपसाइड का मोमेंटम, अपसाइड की वेव बहुत ही अच्छा, चांद रुकने को 2-3 दिन यहाँ रुक सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। प्राइस वाइज ज़्यादा टूटेगा नहीं, जिस तरह का मोमेंटम ये दिखाया है प्राइस में, ये प्राइस वाइज ज़्यादा टूटेगा नहीं, आपके लिए एसएल होगा ये 6900 का लगा दीजिए एसएल, इसको प्रॉपर राइड कीजिए। आपको 20-25% तक का मोमेंटम आने वाला 3-4 वीक में दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक देखिए, ये भी वन ऑफ द गुड स्टॉक है। देखिए रजिस्टर 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 पर खड़ा हुआ है, जैसे ब्रेकआउट आएगा इसको छोड़ना मत। ये मत देखिएगा करे ये नीचे से 2000 रुपये से सीधा 25% ऊपर आ गया, कुछ नहीं आया अभी तो, चालू होना बाकी है, अभी इसका रियल मोमेंटम बाकी है, तो इसको छोड़ना नहीं है, आपका एसएल बन जाएगा ये 1240 का लगा दीजिए एसएल, इसको राइड कीजिए, मस्त मौज देगा आपको ये। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसको मिस मत कीजिएगा, ये भी अच्छा है। जो स्टॉक मैं लेके आया हूँ आपके पास से
वो बहुत ही बढ़िया 250-300 स्टॉक में से मैंने ऐसे करिए आइडेंटिफाई किया इसको, तो इसको छोड़िएगा मत। इसका हम देखते हैं वीकली चार्ट, तो आपको और क्लियर आएगी मेरी को की ये स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। देखिएगा इसमें आप लॉन्ग रखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। इसे आप शॉर्ट टर्म में देखिए कितने टाइम से ये रेस बना रहा है, देखिए प्रॉपर इसमें टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, प्रॉपर प्राइस वाइज भी हो चुका है, क्योंकि अगर नहीं होता तो यहाँ से ऊपर नहीं आता, तोड़ देता। यहाँ पे तकरीबन डेली में बात हुई थी कि ये फेक वाला ब्रेकडाउन है जब हुआ था डेली चार्ट में, इसको वापस आना है। दो कैंडल में इसने पूरा का पूरा खींच लिया, देखिए ये होता है पावर थोड़ा बहुत प्राइस रीडिंग का। ठीक है सर, देखिए अब क्या करना है इसको, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आए, क्लोजिंग के बिना काम नहीं करना है, 555 के ऊपर जैसे ही क्लोज करें आप इसको लपक लीजिए। क्लोज किसके ऊपर करना चाहिए, डेली चार्ट के ऊपर, ये भले वीकली चार्ट है लेकिन डेली पे क्लोज करेगा तो कन्फर्मेशन आ जाएगा जिस तरह से ये निकला है, कर ही देगा दो तीन दिन में करेगा, तो इसको डेफिनेटली आप ट्रेड कीजिएगा, रखिएगा, आपका एसएल बन जाएगा ये गैप 500 का लगा दीजिएगा। एसएल जाने को ये 700 भी आपको बहुत ही जल्द दिखा सकता है, बहुत ही अच्छा, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट तरीके से देखेगा ना कि शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग की तरफ से, तो आपको अच्छा खासा मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद है इन्फोएज। इन्फोएज का अगर मैं डेली चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको मस्त दिखेगा। देखिए बहुत टाइम के बाद इन्फोएज यहाँ पे निकला है, मैं बहुत टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूँ और फाइनल इसमें अब कुछ दिखा है लेने लायक। आईटी सेक्टर जो मिड कैप आईटी है उस पर तो बूम दिख रही है मुझे, और आने वाले टाइम में और दिखेगी। मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि मिड कैप आईटी में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि उनके चार्ट्स बहुत ही सही बने हुए हैं। वन ऑफ द चार्ट ये भी है, देखिए रजिस्टेंस 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 रजिस्टेंस, फाइनल इसने ब्रेकआउट दिया है, वो भी अच्छी कैंडल से। कैंडल देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, नीचे आया था लेकिन फिर भी उसने सीधा खींच लिया। अभी ये बन गया आपका एसएल, 3700 का लगा दीजिएगा एसएल। सीएमपी पे इसको बाय कीजिए, थोड़ा नीचे मिले तो भी बाय कीजिए, जाने को ये सीधा यहाँ पे 5000 वन श्योर शॉट में क्लियर कर सकता है, वन श्योर शॉट के अंदर क्लियर कर सकता है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। 20% का फ्रंट आपको दिख रहा है यहाँ पे आता हुआ रिटर्न। उसके बाद है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये भी अच्छा जिस तरह का दिखा रहा है, इसमें मोमेंटम आपको ऐसा मिलेगा 2 दिन में 10% दे देगा या फिर 2 दिन खड़ा हो जाएगा। तो आपको उस माइंडसेट से चलना है कि ऐसा नहीं कि लेने के बाद आपको तुरंत चल जाएगा, चलेगा तो सीधे दो दिन में आपको प्रॉफिट दे देगा, नहीं चलेगा तो 2 हफ्ते लगा सकता है। लेकिन ये स्टॉक अच्छा है दिखने में तो इसको आप रख सकते हैं। ये बन गया आपका एस एल, क्लियर कट 2700 का लगा दीजिए एस एल, लेके 150 रुपये तक आपका एस एल बनेगा। आने के आपको 10 से लेके 12% तक का रिटर्न विद इन 2 वीक आता है। मैं 2 वीक बोल रहा हूँ लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि आने को ये 2 दिन में आ सकता है, वरना 2 वीक लगा सकता है, लेकिन अच्छा खासा दिख रहा है, इसको भी ट्रेड कीजिएगा। आई होप आपको सारे स्टॉक समझ में आएंगे। कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस बिहेवियर की, तो वो आप ज़्यादा उसके ऊपर भार दीजिएगा, सीखेगा साथ में तो आपको मज़ा आएगा। आपको कैसा लगा, साथ में आपके कोई स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली इसके कमेंट में लिखिए, हम उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। धन्यवाद।